वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के मौके पर न्यूटिमा हॉस्पिटल मेरठ में पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में डॉक्टरों ने ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के रोग से मुताबिक बीमारियों के बारे में बताया और उनके इलाज के लिए भी बताया। इस जागरूकता अभियान में जहां बहुत से मरीज भी मौके पर मौजूद थे जिनका इलाज किया गया था और जिन्होंने अपनी परेशानियों के बारे में बताया, वहीं डॉक्टरों ने इस बीमारी के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी जिससे जनता जागरूक हो सके और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जान सके और इसके इलाज के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। गति है वो रेट है वो ज्यादा होने लगती है बोन फॉर्मेशन के बजाय, तो वो बोन क्या होगा, धीरे धीरे बोन वीक होने लगेगी, पोरस बोन होने लगेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसीलिए हम इसको ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट थीफ बोल रहे हैं, वो धीरे धीरे चुरा रहा है आपसे, आपकी बोन की जो ताकत है वो कम होती जा रही है, मतलब बोन के घनत्व को, डेंसिटी को अगर वो कम हो तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। सर इसमें ये भी कहा जा सकता है कि जैसे एज बढ़ने पर मस्कुलर पेन होता है, जैसे हमारी बोन वीक हो रही है उसके साथ साथ नसें भी आपकी कमजोर होंगी, मसल्स भी वीक होंगी, हार्ट की एक्टिविटी कम होगी, उसी तरह से आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं। जिन पेशेंट्स को ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होते हैं, हिप का फ्रैक्चर हो गया, उसमें 30% पेशेंट विदिन उनकी आगे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 30% की 1 ईयर तक रहती है, मतलब उसकी 30% पेशेंट्स की डेथ अगले एक साल में हो जाती है। वजह यही है कि ये नॉट ओनली बोन्स, आपके सारे सिस्टम बॉडी के वीक हो रहे हैं, बेसिकली ये एजिंग प्रोसेस। कुछ चीजें होती है जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे अब मान लो घुटने खराब हो गए ओल्ड एज में, तो उसमें हम घुटने की कवरिंग को चेंज करके नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो पेशेंट की एक्टिविटी बनी रहे। मकसद हमारा यहाँ पे यही है कि गति ही जीवन है, मूवमेंट नहीं है तो काम गड़बड़ है। आप मूवमेंट रखेंगे, आप देखिए जापान वाले लोग हैं, जापान में लाइफ ज्यादा क्यों है, हालांकि उसको लाइफ की जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है उसके जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी ज्यादा है। जापानी जो आदमी व्यक्ति है वो उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाले जापानी है, आपको वहां पे सेंचुरियन बहुत सारे मिल जाएंगे जिसकी किसी की एज 120 115। तो वो यही है कि वो उनकी जब मूवमेंट बनी रहेगी लाइफ में तो उसका हार्ट भी स्ट्रांग रहेगा, उसके बोन्स भी स्ट्रांग रहेंगी, मसल स्ट्रांग रहेगी, तो ओवरऑल सारे सिस्टम आपकी किडनी हो गई, लिवर हो गए, हार्ट के फंक्शन, हार्ट की एक्सरसाइज होगी, वो भी आपके मजबूत बने रहे। तो मेन मकसद है गति। जब 8 हफ्ते पे इंट्रा यूटराइन लाइफ में हमने देखा कार्डियक एक्टिविटी आ गई, उसके बाद वो धड़कता रहेगा, वो मूवमेंट बनी रहेगी, अगर मूवमेंट नहीं बनेगी तो उसे बोलेंगे अबॉर्शन हो गया, मिस्ड अबॉर्शन हो गया। तो लाइफ में मूवमेंट जरूरी है, चलते रहो। तो ये वैसे ये है कि जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम अपनी डाइट इंप्रूव करेंगे, जितना हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, उतनी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, बुढ़ापा आगे ठीक से रहेगा।